ऑलमोस्ट नो होगा। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं इधर भी ऑन हो जाऊं जरा। गुड हेलो निशा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय पेज। किसी ने मेरे चैनल पे विजिट किया? हेलो हेलो राम्या जी, गुड आफ्टरनून। आप लोग मेरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा, क्रिएट विद इंदु देहरादून, इस नाम से है मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उसमें आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी मिलेगा आपको, और साथ में ही कुछ कुकरी के हैं वीडियोस, बड़े अच्छे टिप्स हैं उसमें, कुछ हैं ब्लॉग्स हैं मेरे। यहाँ पर बहुत अच्छी एक फ्लावर एग्जीबिशन होती है फ़रवरी में, इस बार नहीं हुई, पोस्टपोन हो गई, तो हम लोग उसमें जाते हैं। तो मैंने कुछ वहाँ ब्लॉग्स भी बनाए हैं, आप भी देखिएगा देहरादून में कितनी अच्छी एग्जीबिशन होती है, गवर्नर्स हाउस में होती है। तो क्रिएट विद इंदु इस नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, जरूर अच्छा लगेगा आपको, फिर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब मैं रिसेंटली कुछ और सॉरी कुछ नई अपनी वो शुरू करने वाली हूँ, पेंटिंग्स वगैरह, तो उनके वीडियोज उसमें डालूंगी। हो सकता है ये वीडियोस भी उसमें मैं पोस्ट कर दूं, मेरे लाइव सेशंस भी पोस्ट हो जाते हैं उसमें, कुछ पहले के लाइव सेशंस हैं उसमें, मेरी कुछ फ्रेंड्स थी उसमें भी। हेलो हर्षा जी, हाँ ये हमारे ग्रुप मेंबर्स उसमें थे, तो मैं वहाँ इनवाइटेड थी, वहाँ मैंने दिया था लाइव अपना, तो उसका भी वो मैंने पोस्टिंग कर दी थी फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। यस यस हर्षा जी, आपने कुछ बनाया उसमें से? प्रीति लता जी ने तो बनाई थी मेरे घर से बेसन वाली अरबी तो वो मेरी मम्मी की खास डिश थी, तो हम लोग को बहुत अच्छी लगती थी वैसे वो, बहुत अच्छी चिकनी चिकनी सी जो होती है अरबी, वो हमको अच्छी नहीं लगती थी बच्चों को, तो जब मम्मी वो बेसन वाली अरबी बनाती थी, बेसन भून के और बहुत अच्छे से अरबी ना, तो वो हम लोग बड़े पसंद करके खाते थे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना हम उसको शेयर करें, बल्कि मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि वो अपनी वो रेसिपीज को शेयर कर जो मम्मी बताया करती थी, जो मम्मी की कुछ स्पेशल थी, गुजिया थी, तो वो हमने किया था ऐसे। एक हमारी वो मावे की रेसिपी, वो मैंने अपनी तरफ से इनवाइट की थी, मतलब मैंने कहा दूध सुखाते हैं तो इसके बजाय क्यों ना पहले ही अपना पाउडर मिल्क लो और उसको ही खोए में कन्वर्ट करो, तो हमारा खोया बहुत अच्छा बना और फटाफट से गुजिया बन गई। बाजार से जो खोया लेके आते हैं तो उसमें होता है पता नहीं वो असली है कि नकली है, पता नहीं क्या मिला हुआ है उसमें, है ना, तो अपना घर में बना लिया। तो ऐसे वो सारी रेसिपीज भी आपको वहाँ मिलेंगी, तो आप लोग जरूर उनको ट्राई भी कीजिए, फिर मुझे बताइए भी कि उसमें से आपने क्या सीखा, क्या बनाया। हेलो जी हर्षा साहू मंडल जी, वेलकम टू माय चैनल, गुड आफ्टरनून। आप लोगों में से किसी ने किया डेको पेज? कुछ लोग तो पहले से ही करते होंगे। थैंक यू हर्षा जी, थैंक यू। तो ये सब चीज़ों को जो आप सीखते हो उनको आप ट्राई भी करके देखो। ये देखिए ये हमने अपने, हाँ ये भी रिवर्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, रिजिस्ट टाई एंड डाई होता है, तो वो उसमें किया था। ये फिर मैंने ये अपने खुद बनाए थे पूरा सेट, ये नेकलेस है, नेकलेस में भी वही वर्क हुआ हुआ है, थोड़ा सा उसके ऊपर वो जो होता है हमारा गोल्डन 3D लाइनर्स, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाते हैं।
हम सब तो एक जैसे लाइक माइंडेड पीपल है ना, तो हम लोग को ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। पता नहीं औरों को अच्छी लगती कि नहीं। कल भी कोई जना बहुत तारीफ कर रहा था। हाँ मेरी नीस यूएस में है, कह रही ये तो इतना दिल्ली हाट वगैरह से हम लोग खरीद के लाते थे, आपने खुद बना लिया। वाह उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होती है जो बच्चे खुद नहीं बनाते। मेरी मासी आपने खुद बना लिया। मैंने कहा हाँ बन जाता आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी ने बॉटल पे डेकोरेश किया, जैसे आप कुछ देखते हैं ना उसको ट्राई करके जरूर देखो, साथ के साथ बनाए नहीं तो वैसे ट्राई करके देखें। मेरे बेटे ने एक वीडियो भेजा है, मेरा छोटा सा पोता है 2 साल का अभी, तो वो जो मेरा बेटा यूएस में है, शायद मैंने आपको बताया था ना कैलिफोर्निया में है, तो वो जो है बहुत नॉटी है और उसका कुछ ना कुछ वो लोग आज, क्योंकि ऐसा क्या होता था कि रोज ही उनको बैठा दिया जाता था इसके आईपैड के आगे बैठा दिया कि चलो जी आप फेस टाइम कर लो, दादी के साथ कर लो, दादू दादी के साथ कर लो या नानू नानी के साथ कर लो। हम लोग को होता है कि हम हर समय दिल करता है इसको गोद में ले हग करें, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि बात तो कराते ही हैं, साथ में उसका कोई ना कोई वीडियो भी भेजते रहते हैं। तो अभी भी कुछ वीडियो भेजा है, अभी देखती हूँ थोड़ी देर बाद। छोटे छोटे बच्चों को देखे तो वैसे ही बहुत प्यार आता है। हाँ जी बिल्कुल हर्षा, जो अपने हैंडमेड आर्टिफैक्ट्स हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। बिल्कुल, और खास तौर से जब सब लोग वाह वाह करते हैं फिर तो कितना अच्छा लगता है ना, कह रहे आपने खुद बनाया है। ये भी बनाएंगे किसी टाइम, साथ में आपको और भी दिखाती हूँ। देखिए ये भी बनाया था एक दिन हमने, ये अभी इसको पूरा नहीं किया है मैंने, ये दिस वन, ये जो हमारी थेवा ज्वेलरी होती है ना, थेवा ज्वेलरी, थेवा ज्वेलरी आप यहाँ पे जो पहनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। यस दिस इज थेवा ज्वेलरी। तो ये फाइन वर्क किया हमने इसके ऊपर, फिर वही मॉड पॉज का कोड देते हैं है ना, जिससे कि कुछ कहीं गिफ्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं बनाती मैं, कभी कभी बनाती हूँ जब मेरा दिल करता है। ये तो हमारे बाल से गोल घूमते जा रहे हैं, इनके पीछे भी कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें किया ना, ये वाला था, इसको पहनने पर भी होता था किसी टाइम डेंगल होके उल्टे हो जाते थे, तो बैक साइड में ब्लैक था, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी मैं डॉट मंडला कर देती हूँ, तो अब अच्छा हो गया। कहीं भी घूमो तुम, इधर घूमो चाहे इधर घूमो। तो ये जो हम लोग थोड़ा आर्ट का वर्क करते हैं तो हम लोग के पास मटेरियल रहता है, जब मटेरियल रहता है तो चाहे किसी टाइम कुछ भी करो। कलर्स हैं आपके पास, आपने कलर्स उठाए, ब्रशेस हैं आपके पास, ब्रशेस लिए और आप शुरू हो गए। तो आज आप थोड़ी देर और वेट करते हैं ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू ट्रेस प्रॉपरली। ये मैं आपको ये वाली है मेरी, ये मेरे को बहुत दिन पहले एक शादी का कार्ड आया था, तो उसमें थे ये राधा कृष्ण जी, जिसमें कि राधा जी के हाथ में मुरली थी। तो ये कहते हैं बड़ा ऑस्पिशियस होता है, कोई कपल है उनके रूम में अगर होता है तो उनके बीच में प्यार बना रहता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो सबके घर में होनी चाहिए जितने भी मैरिड कपल्स हैं। तो ये बड़ी अच्छी मेरे को पेंटिंग लगी थी, तो अब शुरू करेंगे। तो इसको ये है कि इसको आपने A4 शीट्स में दो में उन्होंने मेरे को प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, तो चाहे आप हाथ से पहले ड्रॉ कीजिए और फिर उसको ट्रेस कर लीजिए, नहीं तो प्रिंट आउट निकाल लो। आपको ड्रॉ करना नहीं आता नो प्रॉब्लम, प्रिंट आउट निकालो, आजकल तो सारी सुविधा है। टेक अ प्रिंट आउट, हाय दिव्या, हेलो दिव्या की भी छोटी सी बच्ची है पर शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, शी इज ऑलवेज हियर। थैंक्स दिव्या फॉर योर विजिट। तो आज हम इसको ट्रेस करके देखेंगे, मैं बताऊंगी कैसे ट्रेस करना है, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेस कर रहे होते हैं ना तो ट्रेस करते टाइम ही अगर थोड़ा बहुत हिल गया, हमको पता भी नहीं लगता वो हिल गया, वो कुछ का कुछ डिजाइन उसके ऊपर आ जाता है आपके कैनवस के ऊपर, फिर उसको रब करना भी इतना आसान नहीं होता तो सारा कैनवस भी गंदा होता है। हुँ.
आप लोग शेयर कीजिए तो बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आएंगे। आप लोग शेयर करो, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करो, ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं तो अच्छा लगता है। जितने लोग ज्वाइन करेंगे उतने उनके साथ शेयर होगा जो भी कुछ हम आज करेंगे। ये येलो कार्बन पेपर है, माय प्लेजर बेटा, दिस इज येलो कार्बन पेपर। इसके ऊपर हम लोग वो ब्लू कार्बन पेपर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ब्लू कार्बन पेपर होता है ना वो कई बार उसकी इंक वो कलर के अंदर से भी जाती नहीं है, वो अंदर से झांकती रहती है तो वो नहीं हटेगी, तो उसकी वजह से आपकी सारी पेंटिंग खराब सी लगती है। तो जो येलो इंक होती है ना वो बीच में मिक्स हो जाती है आपके कलर के बीच में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती जो भी आप बनाना चाह रहे हो। सो दिस इज द एप्रोप्रिएट कार्बन पेपर यू शुड यूज फॉर द ट्रेसिंग। पिंक भी रेड भी मत यूज कीजिए, आप यूज कीजिए खाली येलो कार्बन पेपर। और एक काम और करते हैं, ये जो फार्मेसीज होती है ना जहाँ पे हम लोग अपना मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो उनके पास जो यूज्ड कार्बन होते हैं वो आप ले सकते हो, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट इंक तो निकल चुकी होती है, तो वो आपके एक बार के ट्रेसिंग के काम में आ जाते हैं और उसके बाद उसको ट्रेस करके फेंक दीजिए, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप कहीं से ला सको किसी फार्मेसी से तो आप जरूर ले लो उसको, और उसको आप फिर यूज करो आराम से, नो प्रॉब्लम। तो वो तो बड़ा अच्छा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो जाएगा, है ना। और लोग भी थोड़ा हेलो हाय कीजिए, मुझे को पता लगे कितने लोग हैं, तो हम शुरू करते हैं। कुछ मैं आपको टेक्निक बताती हूँ और थोड़ा टाइम होगा तो हम कुछ और भी करेंगे, हो सकता है पेंटिंग को शुरू ही कर दें थोड़ा सा, है ना। तो आपको कुछ कुछ पता लगता रहेगा, हाउ टू स्टार्ट अ पेंटिंग, हाउ टू डू एक्रेलिक पेंटिंग्स। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और ये कोविड टाइम है, इस टाइम तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग घर पे ही रहें तो बेटर है, डोंट ट्राई टू गो आउट, यू शुड कीप सोशल डिस्टेंसिंग, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड पुट ऑन मास्क, है ना, एंड यूज कुछ भी अपने मतलब हैंड वॉश कर, सबसे अच्छा है कि हैंड वॉश कर, सैनिटाइजर यूज करने के बजाय। हेलो आनंदी जी, वेलकम टू आवर ग्रुप। तो हम लोग अपना सैनिटाइजर यूज करें, अगर जरूरी है तो सैनिटाइजर भी यूज करें, बट डोंट यूज इट ओवर, ओके। तो वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन एंड कीप डिस्टेंस, लोगों के ज्यादा पास ना जाए। हेलो मनीषा अग्रवाल, हेलो जी, हाउ आर यू। तो हम सखियां यहाँ इकट्ठी हो लेते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने कहा कुछ दिन हम लोग करते हैं, अगर ऐसे अच्छा लगता है तो मैं आगे भी करती रहूंगी, अदरवाइज कुछ दिन करके बंद कर देंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो, जितने ज्यादा लोग देखते हैं ना उतना अच्छा लगता है, उनको भी पता लगता है। जब हम यहाँ बैठे हैं तो बात कर रहे हैं तो औरों से भी बात करें थोड़ी सी, तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं सबके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स, बहुत प्यार मिलता है यहाँ आके, देखा जाए तो कितनी प्यारी बातें करते हैं आप लोग। किसी ने तो कह दिया आप शर्मिला टैगोर जैसे लग रहे हो, एक्चुअली उन्होंने भी व्हाइट बाल किए हुए हैं ना, हाँ वाकई में। और ये कोविड की जो मैं बात कर रही थी, तो कोविड तो अभी बहुत प्रिवेल कर रहा है। थैंक यू आनंदी जी, ये भी हैंडमेड है, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। दिस इज रेजिस्ट, क्या नाम आते हैं, मैं क्यों नाम भूल रही हूँ इसका। तो इसको बनाने का भी तरीका यही होता है कि आपने उसमें पहले थोड़ा सा ये जो होता है आपका ना ए प्लस होता है, उसको किसी कोन में ले लीजिए, चाहे नहीं तो क्या करते हैं जो खाली बॉटल्स होती है ना हमारी 3D लाइनर्स की, इसमें भर लेते हैं, खाली हो गई इनको फेंकिए नहीं, डोंट थ्रो डेम अवे, ओके, कीप देम इन योर पिटारा, कभी भी काम आती है ये। तो इसके अंदर आप अपना जो एडहेसिव है फेविकोल भी भर सकते हो, फेविकोल नहीं तो आप ए प्लस ले लीजिए, और नहीं तो आप फैब्रिक ग्लू भी ले सकते हो, फैब्रिक ग्लू का तो पॉइंट है ही है,
तो उससे आपने कुछ भी डिजाइन बनाया, जैसे हमने ऐसे ही कुछ ड्रॉप कुछ लाइंस बना दी, फिर उसके बाद इसको ऑरेंज कलर में, इस कपड़े को, ये कपड़ा था, फैब्रिक है, ठीक है, सिंपल फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा इसी से फेविकोल से कुछ डिजाइनिंग कर दी, थोड़ा सा उसको फाइन ट्यूब के अंदर ले लिया जिससे कि पतली पतली डिजाइनिंग हो जाए, लेट इट बी ड्राई। जब वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप उसको जिस भी कलर में डाई करना चाहते हैं, आपकी जिस कलर की ड्रेस है, जैसे मेरी ऑरेंज ड्रेस है, मेरे को दिल कर रहा है ऑरेंज कलर का बनाऊं। हेलो प्राची, शी इज माई स्टूडेंट, शी वॉज माई स्टूडेंट, इसको शायद मैंने 8th में पढ़ाया था, 6th, 7th, 8th में, है ना। हाय, हाँ, यस यस, बाटिक रेसिस्ट या रेजिस्ट बाटिक भी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मनीषा, कितनी बार होता है मुंह में आते नहीं है शब्द, तो हेलो बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो वो जो हमने पहले उसके साथ कर दिया एक फाइन लाइन करके, आप कुछ भी डिजाइन बना दीजिए, अब जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो वहां पे वो कलर नहीं जा सकता, तब आप उसको आप अपने जो कलर आपने बनाना है, तो यही जो से हमारे फेविक्रिल कलर्स होते हैं या कोई भी आपके एक्रेलिक कलर्स हैं, पानी में उसको इट डिपेंड्स कि आपको कितना डार्क कलर चाहिए या कितना लाइट चाहिए, वही जो कलर है पूरा प्रोमिनेंट उसी शेड में चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा डालिए, अगर आपको थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए तो वो कलर आप थोड़ा कम डालिए, तो जितना आपका फेब्रिक है ना, कपड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग आप पानी लीजिए। कप में, मग में थोड़ा सा पानी लिया, उसी में थोड़ा सा कलर घोला और उस क्लॉथ को डिप कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि वो जो क्लॉथ है उसको थोड़ी देर उसी में डिप रहने दीजिए, फिर उसको उठाइए और आराम से सूखने के लिए लटका दीजिए, उसी टाइम वॉश नहीं कीजिए उसको बिल्कुल भी। शुरू शुरू में हमने ऐसे गलती की थी, वॉश किया कलर भी निकल गया क्योंकि कलर तो गीला था, एक लाइट सा शेड रह गया, तो आप उसके अंदर डिप रहने दीजिए थोड़ी देर, उसके बाद उसको निकालिए और उसको एज इट इज आपने कहीं भी वायर पे क्लिप से लगा के सूखने के लिए लटका दिया। अब जब वो ड्राई हो जाएगा तब आप उसको आयरन लेके आइए और उसको बैक साइड से थोड़ा सा आप आयरन भी कर दीजिए और फिर उसको पानी में डिप कर दीजिए। अब क्योंकि कलर तो सूख चुका है तो अब उसका कलर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, लेकिन पानी में डिप करने से जो फेविकोल था वो फूल जाएगा थोड़ी देर के बाद, 2-3-4 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए उसे, ओवरनाइट छोड़ दीजिए ताकि आपको रगड़ना ना पड़े, तो फेविकोल फूल जाएगा, जब वो फूल जाएगा तो उसको आप ऐसे जब निकालेंगे पील ऑफ हो जाएगा आराम से, वो हल्का सा वॉश करने से निकल जाएगा, तो जहां पर फेविकोल लगा था वहां बिल्कुल वाइट रह जाएगा। दैट्स ऑल, जब वो वाइट रह गया तो फिर उसको आप किसी भी डिजाइन में, कोई भी आप कार्डबोर्ड लीजिए, जैसे इसके अंदर हमने कार्डबोर्ड ही लगाया हुआ है, कार्डबोर्ड की शेप लीजिए, जैसे हमने ये ड्रॉप शेप की है, आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। हेलो शुभम, हेलो कविता जोशी, तो कविता यहाँ पहुंच गई, वाओ, एक मिनट, हाय कविता, वेलकम टू माय ग्रुप, हेलो शुभम, वेलकम वेलकम। तो ये जो आप लोग जब वो बना लोगे उसको जो शेप चाहिए वो शेप का आपने नीचे से कार्डबोर्ड का पीस कट करना है, फिर उसके ऊपर उस क्लॉथ को वाइंड कीजिए अच्छी तरह से, पीछे उसको चिपका दीजिए, उसके पीछे फिर एक प्लेन क्लॉथ का लेके पीस उसी शेप का बिल्कुल कट करके, जैसे ये ब्लैक था ये, इसको मैंने उस कपड़े को चिपका दिया बिल्कुल राउंड एक पीस कट करके चिपका दिया, तो जो हमने इसको टर्न किया था ना वो भी दिखाई नहीं देगा और ये दोनों साइड से बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा। बस आप उसको बैक साइड में भी कुछ डिजाइनिंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, जैसे अभी मेरा घूम के ये प्लेन आ रहा था, बैक साइड में मैं चाहूँ कुछ और पेंट कर दूँ तो दूसरा डिजाइन दिखेगा नहीं तो आप रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, है तो कलर सेम। तो इस तरह से आप, फिर ये बाजार में सब ये सब कुछ मिलता है आपको, ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए कुछ भी चाहिए हो ना। हेलो निशिता जी, हेलो, तो इस तरह से आपकी ज्वेलरी बन जाएगी। तो देखिए हमने बातें करते करते एक ज्वेलरी का सेट बना लिया। तो ये पेंडेंट थोड़ा बड़ा बनाइए, कानों के लिए थोड़े छोटे, उसके नीचे ये थोड़ा थोड़ा आप ये पॉम्पॉम्स बना के लटका सकते हैं, ये जो हमारे वो कौन से थ्रेड्स होते हैं, एंकर थ्रेड्स है ना, तो वो उससे आप थोड़ा राउंड राउंड कीजिए, उसके ऊपर से पकड़िए कस के बांधिए और फिर उसके अंदर वायर का वो लगा के रिंग, ये सब रिंग्स वगैरह सब कोई होक सब मिलता है बाजार में, आप जो क्राफ्ट स्टोर्स होते हैं ना वहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो लीजिए उसमें लगा दीजिए, तो आप मैचिंग पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, खासतौर से अपने जो सेम लाइकिंग पीपल ग्रुप है उसमें तो पहन ही सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आजकल सब पहनते हैं, आजकल गोल्ड ज्वेलरी वगैरह इतना कोई पसंद नहीं करता। थैंक यू आनंदी, मेक वन सेट एंड शो मी, ओके ऑल ऑफ यू, यू मे नोट माय फोन नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप में अपना भेजो जो भी आप बनाते हो, कल किसी ने भेजा था
किसने भेजा था? निशिता ने भेजा था शायद। हाँ निशिता जी ने तो बनाया था, इन्होंने कुछ कुछ बनाया, इन्होंने डॉट मंडला भी किया, इन्होंने थोड़ा डेको पेज भी किया, फिर मेरे को पोस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स निशिता, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आप लोग भी बनाइएगा, मेरा फोन नंबर आप नोट कर लीजिए 9897913471। मैं इधर डाल दूँ, दिखती हूँ मैं कर सकती हूँ। तो माय फोन नंबर इज 9897913471। गो या वेयर इज इट? दिस इज माय फोन नंबर 9897913471। तो आप लोग जो भी बनाते हो उसको वहां पे पोस्ट करो, मैं देखूंगी, सबको दिखाऊंगी। है ना भाई, कितना अच्छा लगता है कि जो भी आपसे किसी ने सीखा उसको बनाया भी। यस, दिस इज ऑल्सो द सेम थ्रेड, एंकर थ्रेड, और इसके लिए मैंने ऊन यूज कर ली, ब्लैक वुल। दिस इज ब्लैक वुल, आप वो भी ले सकते हो, है ना। एनी थ्रेड, कॉटन थ्रेड भी आता है, बड़ी लच्छियां आती हैं, आप वो भी ले सकते हो। उसको थोड़ा सा ऐसे रोल करके, जैसे हम करते हैं ना उसके लिए छोटे बेबी के स्टॉकिंग बनती है जो, उसमें हम लोग रोल रोल करके ऐसे उसको डबल कर देते हैं, राखी के धागे बनाते हैं जैसे, है ना। तो आप वैसे करके, या आप उसकी एक प्लेट भी गूंथ सकते हो, चोटी जैसे गूंथते हैं वो कर लो, और उसको आप बना लो, लगा लो उसमें। तो मैं आपको ऐसे बीच बीच में कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स भी देती रहूंगी, कुछ ना कुछ नया बनेगा, और आप मेरे को दिखाना जरूर। तो चलिए हम लोग करते हैं, ट्रेसिंग करते हैं, फिर बहुत देर हो जाएगी, है ना। चलो तो ट्रेस करने के लिए मैं नीचे कर देती हूँ इसको। दिस इज माय कार्बन, यस यू कैन सी, आई थिंक हाँ ओके। तो ये हमने जिस कैनवस के ऊपर लगाना है, ये कैनवस है, उसका सेंटर देख के चारों तरफ से इक्वल छूटे, है ना, वो देखिएगा आपकी इक्वल रहे। हमारा जो जो हमारे ये प्रिंट है वो थोड़ा सा सेंटर में है, थोड़े से उधर हो रहे हैं, मैं इनको हटाती हूँ यहाँ से। ये मैंने हल्का सा ऐसे टेप लगाया था, है ना। चल इसको बिल्कुल सेंटर में करते हैं, कि जो हमारा प्रिंट है, जो कान्हा जी है, राधा जी और कान्हा जी, मेन फिगर बिल्कुल सेंटर में आए। आप चाहो तो थोड़ा मेजरमेंट करके भी कर सकते हो, नहीं तो आंखों से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ ये जो है अब सेंटर आ गया है। वेयर इज द, यहां से वो आप ले गए थे क्या? हेलो, मैं देखती हूँ अभी कहाँ गया मेरा टेप। Where is my tape? It is here. ये मास्किंग टेप होता है, तो ये लेके आप, इसे हाथ से पेपर टेप होता है, आराम से कट जाता है। इसको बिल्कुल सीधा भी रखते हैं कि नीचे तक आपका बिल्कुल ठीक है। अब पहले डिसाइड कर लो क्या लेआउट रखते हैं आपने। ओके, कान्हा जी एकदम सीधे हैं और बिल्कुल सही तरीका मैं बताती हूँ आपको। दिस इज माय स्केल, ओके, हाँ स्केल से आप लीजिए, मेजर कीजिए इसको। दिस इज 12 and then 2 more inches, okay,
दिस इज 12 + 2 14 इंचेस। तो ये मेरा पूरे 14 इंचेस का है। फोर्टीन इंचेस है तो हमें इधर भी 14 का हाफ हुआ 7, ठीक है। तो इधर भी 7 और इधर भी 7 पे हम निशान लगाएंगे, मार्क इट एट 7। यस 7। तो अब आप देखो कि ये जो आपकी लाइन है ये बिल्कुल सेंटर फिगर के बीच में से जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये सेंटर में है कान्हा जी, हमने देख लिया। आप चाहो तो किसी और चीज से भी देख सकते हो, मैं इससे नाप के दिखाती हूँ आपको। जैसे आपने यूं रख के देख लिया कि हाँ मेरा बिल्कुल सेंटर में जा रहा है, कान्हा जी का फिगर सेंटर में आ रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, बस ठीक है, दैट्स गुड। क्योंकि इधर उधर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए तो हमने यहां मैंने लगा दिया था टेप, थोड़ा सा टेप हम इधर भी लगा देंगे एंड हेयर ऑल्सो। इसको यहां पे ज्यादा जोर से कीजिए, इसके ऊपर का बहुत प्रेशर मत दीजिएगा पेपर के ऊपर, क्योंकि कई बार निकालने में पेपर टियर होता है, तो यहां पे अच्छे से टाइट कर दीजिए। अब ये पेपर हिलेगा नहीं अपनी जगह से, है ना, ये यहीं का यहीं रहेगा, ठीक। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना कार्बन। आई हैव टू कार्बन क्योंकि ये बड़ा है। चलिए तो ये वाला साइड नीचे रहेगा एंड प्रिंट साइड ऊपर रहेगा। लाइक दिस, यहां से हम टेप लगा देंगे, इसलिए मैंने इधर से जगह छोड़ दी, इधर को इसको निकाल लिया है ऐसे। फिर ये वाला साइड ऊपर रहेगा, ये वाला साइड मींस ये वाला साइड नीचे रहेगा कैनवस साइड में, कलर है ना इधर, एंड दिस साइड विल बी अप। ओके, ये अब नीचे आ गया, इसके ऊपर हम फिर से टेप लगाएंगे। तो अब ये नहीं हिलेगा, अब आपका जो आपकी जो फोटो लगी है इसके ऊपर जो आप पिक्चर लगाई है वो बिल्कुल नहीं हिलेगी। तो अब हम इसको शुरू कर सकते हैं ट्रेस करने के लिए। कोई भी पेंसिल लेके आप अपना काम शुरू कर लीजिए। तो इसकी हम ट्रेसिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जो ये सर्कल बना हुआ है, जो फाइन वर्क है उसको आप ना भी ट्रेस करिए तो चलेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी कलर इसके ऊपर आ जाएगा ना। आफ्टरवर्ड यू हैव टू ड्रॉ इट योर सेल्फ। तो जो मेन आपका फिगर्स है यू हैव टू ट्रेस दैट ओनली। ट्रेसिंग बहुत ध्यान से कीजिए। ये कान्हा जी के बाल हैं और ये इनकी बांह जा रही है। अभी पहले हम ऊपर का फेस पूरा कर लेते हैं, ये भी बाल हैं। ये का ईयर, और ये जहां से मैंने लिया है गूगल से मैंने इसका रेफरेंस लिया है, तो गूगल से इसकी हम कलर पिक भी निकाल के रखें तो बेटर है। प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, नहीं तो सामने आप उसको खोल लीजिए।
इसमें थोड़ा बहुत हम चेंजेस भी करेंगे। सेम कभी भी कोई भी आप इंस्पिरेशन कहीं से लेते हो, सेम मत बनाओ। जब तक आपको खुद बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं आ जाती है, आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, आप दूसरे का वर्क बनाते हो, बट डोंट जस्ट कॉपी इट। आप उसमें कुछ अपना भी स्टाइल दीजिए, कुछ चेंज जरूर कीजिए उसको। ये हम खाली इनका मेन फिगर ले लेंगे। इनके हेड गियर का डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। ये जो मोती वगैरह हैं उनका भी बस एक हमने फ्रेमवर्क दे दिया। ये इनके फिर हेयर हैं पीछे, ये इनकी नेक जा रही है। आप जब ट्रेस कर रहे हैं ना, अब क्योंकि हमने टेप किया हुआ है अच्छी तरह से, तो आप थोड़ा उठा के भी देख सकते हैं कि वो ठीक से आ रहा है नीचे। यस, क्योंकि न्यू कार्बन है, अच्छा कार्बन है, अच्छी तरह आ रहा है। आप जरूर एक बार देख लेंगे। नहीं, आपने बहुत सारा कर लिया, ट्रेस करते जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बाद में देखा आ रही है तो कुछ आया ही नहीं नीचे। ठीक है, ये आईज बहुत ध्यान से, आईज को बहुत ध्यान से करना है। ये आईब्रोज, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आने चाहिए, उसमें कहीं कुछ चूक नहीं होनी चाहिए। इसका डबल हम लेयर जो है, ये बीड्स हैं एक्चुअली बाहर ना, बीड्स का ये इम्प्रेशन देंगे, बट हमने एक बाउंड्री वॉल जरूर बना लेनी है। जब भी आप ड्राइंग करते हैं, आपका जो लाइट है वो आपके हाथ, आप इस हाथ से काम कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन से लाइट आनी चाहिए। आज मैंने अपना लैंप यहाँ से हटा दिया, वो हाथों में अटक ही जा रहा था, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी होती है उस टाइम, और या फिर ये लाइट भी ठीक चल रही थी, ट्रेसिंग में थोड़ा सा मुझे लग रहा है अपने हाथ का अंधेरा आ रहा है, तो मैंने कहा आई शुड टेल यू। हेलो गीता जी, हेलो रीता मित्तल, टुडे आई एम टेलिंग हाउ टू ट्रेस अ पिक्चर ऑन कैनवस, देन वी विल स्टार्ट द पेंटिंग आफ्टरवर्ड्स। What is the right way to trace a picture? ये nose nostril रह गया था बनने से। अब हम इनका लेते हैं, बिल्कुल इसको हिलाना नहीं है। ये हो गया, यहाँ तक हो गया ये ना। नाउ ये इनका यहाँ पे दुशाला है, बहुत ध्यान से ट्रेसिंग में कुछ नहीं गलत होना चाहिए। इनका हाथ है बिल्कुल जैसा पोलाइट हैंड के बने हुए, बहुत अच्छे बने हुए, पूरे पिक्चर बहुत प्यारी है ये। आप में से कितने लोगों ने मेरे चैनल को विजिट किया? प्लीज से यस, जिन्होंने चैनल विजिट किया है। क्रिएट विद इंदू देहरादून, इस नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पर। इसी नाम से मैं क्रिएट विद इंदू के नाम से इंस्टाग्राम पर भी हूं, देयर यू कैन ऑल्सो सी माई वर्क। हेलो प्रियंका जी,
कई जगह शादी के कार्ड जब आते हैं ना, इतने प्यारे वो कार्ड होते हैं, तो जरूर आप उनको एक अपना ट्रेजर बना के रखिए। उनके अंदर जो फोटोज होती हैं बहुत ही प्यारी बनी होती है, तो उनको हम लोग बाद में अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग में यूज करें। एक उत्तराखंड का वर्चुअल बाजार हम लोगों ने शुरू किया है कुछ लेडीज ने मिलके, तो वो भी बहुत अच्छा है। मैं अपनी पोस्टिंग्स वहाँ भी डालती हूँ, उत्तराखंड वर्चुअल बाजार, मैं लिंक पोस्ट करूँगी, आप लोग उसको भी ज्वाइन करना। वहाँ बहुत अच्छे ऑफर्स वगैरह भी आ रहे हैं, तो देखिएगा आप। आर्ट एंड क्राफ्ट के अलावा भी बहुत कुछ है वहाँ, तो सभी हर तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी। ये सब इनके जो वो हैं नेकलेस वगैरह है ना, उनको पूरा ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हम ऊपर से डॉट डॉट लगा के ड्रॉ करेंगे, पेंट करेंगे। क्योंकि हमने ऊपर से इसको रोका, यहाँ से हमने टेप किया हुआ है, सो देयर इज नो फियर ऑफ डिस्टर्बिंग द एवरीथिंग। तो ये देखिए नीचे अच्छी तरह से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरी पेंटिंग को ट्रेस कर लेंगे पहले, देन वी विल स्टार्ट कलरिंग इट। लुक एट दिस, कैन यू सी दिस? नहीं दिख रहा। ऐसा इतना क्लियर आ नहीं रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हाँ, चलिए तो इसको हम, मैं आराम से पूरा करूँगी बाद में। ओके, क्योंकि ऐसा तो बोर हो जाएंगे लगातार देखते देखते, है ना। तो दिस इज द वे, इस तरह से अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपको जो भी आप ट्रेस कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और बिल्कुल सही से ट्रेस हो जाएगा, एंड देन यू कैन पेंट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। यस गीता, वी शुड ऑलवेज हैव दिस ट्रेजर, सम कार्ड, सम गणेशा कटआउट्स, है ना। तो ये कई बार जगह यूज हो जाते हैं, कई बार वो ओम का बड़ा अच्छा सा उसमें प्रिंट आउट होता है, उसको निकाल के रखिए, तो उसको हम कहीं ना कहीं क्राफ्ट में कहीं यूज कर सकते हैं, टेक्सचर में यूज कर सकते हैं। मैंने ये अपना एक बॉक्स बनाया था जो ये जैसे बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने रेजिन किया है ना। तो लेकिन जो रेजिन का मैंने इसमें वर्क किया था तो वो इतना डार्क रहा कि उसके अलग अलग कुछ दिखाई नहीं दिया, तो अब मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि नीचे तो सारा डेकोपेज है, ये तो इसका अपना स्टाइलिंग है, ऊपर प्लेन भी चलता है, ऊपर पूरा ये इनका रेजिन है, रेजिन पोर किया था, लेकिन ये मेरा वो फर्स्ट टाइम का था। कई सारी चीजें जो मैंने फर्स्ट टाइम ही करती है और वो फिर अच्छी भी बन जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रहा कि इसका जो अंदर आना चाहिए था ना, जो एब्स्ट्रैक्ट जो व्यू आता है वो उतना क्लियर नहीं आया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर मैं कुछ ऐसा ही लगाऊंगी, कुछ कटआउट लगाती हूँ। सो टाइम इज ओवर, मैं 12 o'clock आ गई थी, तो
तो बाकी हम कल मिलते हैं, मैं इसको पूरा ट्रेस कर लूंगी। आप लोग भी ऐसे कोई पेंटिंग ट्रेस करके रखो तो आप भी शुरू कर सकते हो साथ में। तो थोड़ी थोड़ी हम रोज कर लिया करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ी थोड़ी पेंटिंग, ठीक है। आप लोग के थोड़ी थोड़ी कमेंट्स आते रहते हैं तो पता लगता है कि सब लोग देख रहे हैं, है ना। कमेंट्स आप डालते रहा करो प्लीज। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, वी विल मीट टुमारो। थम्स अप देके जाइए तो पता लगेगा कितने लोग थे यहां पर। यस प्रियंका, ओके, वी विल मीट टुमारो, बाय।